उज्जैन नगर पालिका निगम के अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि दिव्यांग निःशक्त जनों को भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर पालिका निगम के अंदर एसी कूलर ठंडी हवा में बैठकर ड्यूटी करने वाले इन अधिकारियों को नाबालिग दिव्यांग निःशक्त जनों की परेशानी न दिखाई देती है और न समस्या का हल करना ये अधिकारी उचित समझते हैं। दिव्यांग निःशक्त परेशान हैं और थक हार कर नगर पालिका निगम में सुनवाई न होने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुँचे हैं और समस्या बताई, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निःशक्त दिव्यांग की मदद करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में अवहेलना कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? हम घास मंडी चौराहा रहते हैं। कौन से नंबर वार्ड में आता है ये? 38 है? 38 38 वार्ड में आता है। तो इसको दिव्यांग के तहत जो पैसा है, जो राशि है, वो मिल नहीं रही इसको? किसका है सर? पेंशन तो आती है वो, फिर अभी इसके ना स्कूल में मैंने दाखिला करवाया है तो अभी 2500 डाले तो बस इधर की उधर भटकाते हैं। अभी मेरा बच्चा अभी एक महीना ही नहीं हुआ, अभी जो शांत हुआ अभी मेरा एक लड़का। अच्छा, और फिर मैं क्या हुआ था उसको? क्या हुआ था? वो भी 10 लग रहे थे उधर भी अस्पताल, उसको भर्ती वर्ती करवा, अभी पूरा महीना भर भी नहीं हुआ सर। अब ये ऐसी ऐसी परेशानी, इसके पैसे आए थे तो वो भी। क्या नाम है इसका? केतन सुनेरे सर। क्या दिक्कत क्या रही है ये? तो इसका तो पूरा कोई नहीं था सर, ये पूरी सर्जरी हुई है। हाँ, फिर नली गई थी, 11 ऑपरेशन करवाए मैंने, हाथ पैर भी इसके पूरे टेढ़े। तो अब इसको क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या इसको तो सारी योजना का लाभ दिलवाना है ना सर, मेरे को क्या इसको सुविधा नहीं है? इसको रोड पे मैं 200 रुपए रोज ड्राइवर किना रही हूँ, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है ना, तो ये काम ये इसकी वजह से हम लोग ना तो कहीं जा पाते आ पाते सब। मैं ही इसका मम्मी पापा ही, हम इसकी सब हम करते हैं। कौन सा मोहल्ले में थे आप? ये घास मंडी चौराहे से। और मैं सर से यही निवेदन करने आई कि हमारे ऊपर से गौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।